सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरीश प्रोजेक्ट्स, और मेरा नाम है हरीश चौधरी। सो आज हम बनाएंगे ये एक ऑटोमेटिक अल्कोहल डिटेक्शन एंड इंजन लॉकिंग सिस्टम। सो इस प्रोजेक्ट को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम में कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप ये वाला प्रोजेक्ट बनाओ। सो मैंने ये प्रोजेक्ट बना दिया है, और इस प्रोजेक्ट का यूज़ हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कोई ड्राइवर दारू पीकर गाड़ी चलाने का कोशिश करता है, सो ये जो सेंसर है ये ऑटोमेटिक उसका अल्कोहल डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद ये इंजन को ऑटोमेटिक बंद कर देगा, जिससे कि जो ड्राइवर होगा वो कार या फिर बाइक को नहीं चला पाएगा। और इस वजह से फ़ायदा ये है कि एक्सीडेंट भी नहीं हो पाएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दारू पीकर अगर कोई कार या फिर बाइक चलाता है तो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और इससे बहुत सारा नुकसान भी होता है। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है, आप चाहें तो उसके इंस्पायर अवार्ड के लिए भी बना कर लेकर जा सकते हैं। सो अगर आपको ऐसे ही वीडियोज देखना पसंद है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ से मैंने अपने पीसीबीस को ऑर्डर किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है जेएलसी पीसीबी। इस वेबसाइट से आप सिर्फ $2 में 5 पीसीबीस ऑर्डर कर सकते हैं एनी कलर। आपको अपना पीसीबी डिजाइन करना है और उसको गर्बर फाइल में सेव करके उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है, और अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सेट करना है, जैसे कि कलर, थिकनेस, एमएम, लेयर, मटेरियल्स। सो इन सभी को सेट करके आपको ऐड टू कार्ट कर लेना है, और आप इसको अपने कार्ट में जाकर इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। और जो पीसीबी क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रांग है। न्यू यूजर्स को यहां पर $27 का कूपन भी मिलेगा। सो मैंने इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप भी पीसीबी ऑर्डर कर सकते हैं। सो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो भी सामान चाहिए उसको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहिए एक आर्डुइनो यूएनओ, एक MQ3 एल्कोहल सेंसर, 5 वोल्ट रिले, 5 वोल्ट बजर, BC547 ट्रांजिस्टर, 1K रजिस्टर, एक LED लाइट, और हमें चाहिए एक 0 PCB, DC गियर मोटर, और हमें चाहिए कुछ बैटरीज। सो चले जल्दी से हम इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल इजीली और अच्छे से कैसे बना सकते हैं। सो सबसे पहले हमें इस रिले को इस 0 PCB में कुछ इस तरह से सोल्डरिंग करना होगा। सो अब यहाँ पर हम BC547 ट्रांजिस्टर को सोल्डरिंग करेंगे। सो रजिस्टर का जो पिन है उसको हमें ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। सो ये है इसका बेस, और ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर वाला पिन होगा उसको हमें रिले के GND वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर मैंने इनको कनेक्ट कर लिया है। सो इन दोनों वायर को मैंने अभी सोल्डरिंग किया है, और इन दोनों वायर से हम बैटरी कनेक्ट करेंगे और गियर मोटर को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस गियर मोटर को कनेक्शन कर लिया है, और ये जो दो वायर बचा है यहाँ पर इन दोनों वायर में हमें बैटरी को कनेक्ट करना होगा। रिले का जो ये सेंटर वाला पिन है उसको हमें बैटरी के पॉजिटिव पिन में कनेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर हमें एक स्विच बटन कनेक्ट करना होगा, मोटर और बैटरी के दोनों वायर के बीच में हमें एक स्विच बटन कनेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ बिना स्विच बटन के तो ये मोटर जो है वो चलना स्टार्ट करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसका आधा कनेक्शन कर लिया है इस डायग्राम के हिसाब से। सो आप भी कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लेना इस डायग्राम के हिसाब से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये है ट्रांजिस्टर का बेस वाला पिन, और इस पिन को हमें आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 9 में कनेक्ट करना होगा।
सो यहाँ पर मैं अब इस Arduino से JND और 5 वोल्ट वाला पिन अलग से यहाँ पर ले लूँगा, जिसमें हम सभी कॉम्पोनेंट्स को इस छोटे से ब्रेडबोर्ड में JND और 5 वोल्ट वाला पिन कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक Arduino में हम सारे कॉम्पोनेंट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें JND और 5 वोल्ट पिन बहुत कम दिया होता है। सो इस वजह से यहाँ पर मुझे इस ब्रेडबोर्ड को कनेक्ट करना पड़ रहा है। सो अब यहाँ पर हम इस सेंसर में जम्पर वायर कनेक्ट करेंगे। सो सेंसर का जो D0 वाला पिन होगा उसे हमें Arduino के A0 पिन में कनेक्ट करना होगा। सेंसर का जो JND वाला पिन होगा उसे हमें Arduino के JND वाले पिन में कनेक्ट करना होगा, मतलब कि यहाँ पर ये जो ब्रेडबोर्ड है इसका जो JND वाला पिन होगा उसे हमें कनेक्ट करना होगा, और जो सेंसर का 5 वोल्ट पिन होगा उसे हमें ब्रेडबोर्ड के इस प्लस वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर सेंसर का कनेक्शन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम इस बजर को कनेक्ट करेंगे। सो बजर का जो प्लस वाला पिन होगा उसे हमें Arduino के डिजिटल पिन नंबर 8 में कनेक्ट करना होगा, और बजर का जो JND वाला पिन होगा उसे हमें Arduino के JND पिन में कनेक्ट करना होगा, मतलब कि इस ब्रेडबोर्ड के JND वाले लाइन में कनेक्ट करना होगा। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर 90% बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इस बैटरी को Arduino से कनेक्ट करना होगा। सो बैटरी का जो प्लस वाला वायर होगा उसे हमें Arduino के VIN वाले पिन में कनेक्ट करना होगा, और बैटरी का जो माइनस वाला वायर होगा उसे हमें Arduino के JND वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो Arduino है ये ऑन हो चुका है, और यहाँ पर ये सेंसर भी ऑन हो चुका है। सो यहाँ पर मैंने अभी LED लाइट को कनेक्ट नहीं किया है, आप चाहे तो LED लाइट भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है। सो अब हमें इस सारे कंपोनेंट्स को इस सनबोर्ड शीट में सेटअप करेंगे, जिससे कि ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। सो चलिए जल्दी से हम सभी कंपोनेंट्स को इस सनबोर्ड शीट में अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेटअप करते हैं। सो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 100% बनकर रेडी हो चुका है, और यहाँ पर मैंने इन सभी कंपोनेंट्स को कुछ इस तरह से सेटअप किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है और अच्छे से समझ में भी आ रहा है। और यहाँ पर मैंने इस गियर मोटर को कुछ इस तरह से यहाँ पर स्टिक किया हुआ है, ताकि जो डिज़ाइन जो है वो भी अच्छा लगे, और स्विच बटन को मैंने साइड में स्टिक किया हुआ है, सेंसर को भी साइड में। और हमें इस Arduino में एक और बैटरी कनेक्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट केबल से पावर दूंगा, जिससे कि ये और अच्छे से वर्क करेगा। सो यहाँ पर ये जो सेंसर है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं दूसरे सेंसर से। सो ये था एल्कोहल सेंसर, और ये वाला जो है ये है एक स्मोक डिटेक्टर सेंसर। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको साइड में स्टिक किया हुआ है। और दोस्तों मैं आपको इस सेंसर के बारे में एक और सीक्रेट बात बताने वाला हूँ, जिसको जानकर आप बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाएंगे। सो ये जो सेंसर है ये मतलब तीन चीज़ों का स्मेल डिटेक्ट कर सकता है, जिसमें से पहला है एल्कोहल, दूसरा स्मोक है, और तीसरा जो है वो है सेंट। सो ये इन तीनों चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है, और अभी मेरे पास एल्कोहल तो नहीं है, सो इसलिए मैं यहाँ पर स्मोक को यूज़ करके मैं इस प्रोजेक्ट का वर्किंग दिखाने वाला हूँ। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि हम इस सेंसर से कैसे 3-in-1 वर्क कर सकते हैं, सो मैंने इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो चलिए जल्दी से हम इसको वर्किंग टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। सो उसके लिए हमें यहाँ पर इस केबल को पहले Arduino से कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद हमें इस साइड को मोबाइल चार्जर से कनेक्ट करना होगा।
सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। और जैसे यहाँ पर स्मोक जब ख़त्म हुआ तो ये ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो गया इसका मोटर। और यहाँ पर एक LED लाइट भी लगा हुआ है जो मतलब अलर्ट करता है। सो अभी हम इसको ऑन करते हैं। सो ये ऑन हो चुका है और उसका जैसे ही ये सेंसर अल्कोहल डिटेक्ट करता है या फिर स्मोक तो इंजन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, इससे जो है एक्सीडेंट भी कम होगा। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है, इंस्पायर अवार्ड के लिए भी और कोई भी साइंस एग्जीबिशन के लिए। सो आप इसको अपने साइंस एग्जीबिशन में बनाकर लेकर जा सकते हैं। और मैंने इसका कोर्स एंड डायग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको देख करके आप इस प्रोजेक्ट को ईजिली बना सकते हैं। सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही साइंस प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।